हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पोरूस फोटोशॉप कैमरा एंड मोबाइल में। आज हम बात करेंगे निकॉन के D7500 के बारे में। मैनुअल सेटिंग में कैसे चलाएं, मैनुअल मोड में कैसे चलाएं और मैनुअल सेटिंग कैसे करें, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। तो ये है निकॉन D7500 कैमरा। इसके अंदर ये यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है और ये यहाँ पे आती है इसके अंदर बैटरी। इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ और ये अंदर ही एक लॉक है। इसके अंदर जो बैटरी है ये है, इसका मॉडल नंबर है ENEL15B। ये 1900 mAh की बैटरी है और ये निकॉन की आती है, ओरिजिनल है अभी। और ये यहाँ पे इसको वापस डाल देते हैं बैटरी को। ये आ गया लॉक और यहाँ पे ये दिया हुआ है कार्ड के लिए। इसके अंदर सिंगल कार्ड दिया हुआ है, डबल कार्ड नहीं है, जो आप ये SD कार्ड लगा सकते हो कोई भी। और इसके अलावा ये नीचे दिया हुआ है ट्राईपोड के लिए। और ये यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच, अब करते हैं इसको कैमरा को ऑन। ये जो डिस्प्ले दिया हुआ है एक और, इसको आप इधर करोगे तो ये लाइट लगेगी डिस्प्ले के अंदर जो नाइट में यूज होती है। इसके अंदर अपेसर वगैरह, स्पीड वगैरह सब आप देख सकते हो, ISO। और इसके अलावा ये यहाँ पे रिंग है, इसमें मैनुअल और ऑटो और ये सब मोड दिए हुए हैं इसके अलावा। और ये सिंगल और CL वगैरह ये सब दिए हुए हैं। ये रिकॉर्डिंग के लिए स्विच है, ये ISO के लिए, और ये है ब्राइटनेस। ये इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, बाकी जीरो रखो तब भी ओके है। और इसके अलावा दिया हुआ है ये यहाँ पे प्लेबैक बटन और ये डिलीट। और इसके अलावा ये मूवी कैमरा मोड और ये मूवी मोड के लिए। इसको आप प्रेस करोगे तभी ये डिस्प्ले में दिखेगा, नहीं तो आप आई रेंज से ही देख सकते हो। इसके अंदर भी देखिए ये यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है, इससे यहाँ पे आँख ये हाथ जाते ही ये बंद हो जाती है, सिर्फ इसमें व्यू फाइंडर में ही देख सकते हो आप। ये लाइव मोड पे आप ऑन ऑफ, ये फोटो मोड में भी लाइव देख सकते हैं और वीडियो मोड में भी। ये आई बटन दिया हुआ है इन्फो के लिए, जो इसके अंदर ये ऐसे आता है जो आपके सेटिंग्स हैं उसके बारे में। और इसके अलावा ये इन्फो बटन है डिस्प्ले ऑन ऑफ के लिए। और डिस्प्ले जो है इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, ये यहाँ पे इतने तक होता है, ये नीचे नहीं जाता है। इसको आप ऐसे नीचे नहीं कर सकते, इतना ही नीचे कर सकते हो। ये वापस लॉक। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो बटन है, ये जो बटन है ये है अपेसर के लिए। ये रिंग दी हुई है ये अपेसर कम ज्यादा करने के लिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं डिस्प्ले में भी दिखा देता हूँ ये। और ये जो है ये है अपने स्पीड के लिए, और इस रिंग से आप कर सकते हो ये स्पीड 100, 125, 160। ये स्पीड इसके अंदर IS जाती है 8000 तक, ठीक है फ्रेंड्स। और ये दिया हुआ है ISO के लिए, इस बटन को प्रेस कीजिए और अब ISO आप ये घुमाइए। ये ISO जाता है इसके अंदर, ये 51200, उसके बाद H03 ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा ये ISO ऑटो सेंसिविटी का कंट्रोल का है। ये हो गए तीन बटन, ISO, अपेसर और शटर स्पीड के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो वाइट बैलेंस के लिए है, ये कलर टेम्परेचर का है, ये डायरेक्ट चेंज होता है। और इसके अलावा जो ये यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके आप इससे ये इमेज क्वालिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो, JPG फाइन और IST, इसके अंदर NEF, JPG रॉ प्लस JPG फाइन तक जाता है। इसके अलावा ये देखिए इमेज साइज है, इसके अंदर लार्ज के अंदर 20.7, मीडियम के अंदर 11.6 और स्मॉल के अंदर 5.2। अब ये जो है ये NEF रॉ रिकॉर्डिंग के लिए है, ये ISO सेंसिविटी सेटिंग है, इसको आप सेट कर सकते हो ISO सेंसिविटी, और ऑटो ISO सेंसिविटी कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो। ये है वाइट बैलेंस। इसके पहले आप देखिए सेट पिक्चर कंट्रोल, इसके अंदर देखिए ऑटो, स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, विविड, मोनोक्रोम, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फ्लैट और नेचुरल 02, ये आता है। हम इसको रखते हैं विविड पे। इसके अंदर भी आप ये शार्पनिंग वगैरह, ये क्विक सेटिंग, शार्पनिंग और कंट्रोल सेटिंग, ब्राइटनेस और ये सब आप इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये वाइट बैलेंस,
इसके अंदर ये ऑटो, ऑटो के अंदर भी आप इसको ऑटो नॉर्मल और ये कर सकते हैं, ये इंसिडेंट, ये फ्लोरेसेंट, डायरेक्शन लाइट वगैरह, ये फ्लैश, और ये शूज कलर टेम्परेचर जिसको आप कैल्विन शॉट बोलते हो, इससे आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये डिस्प्ले टच भी है तो उससे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा ये जो दिया हुआ मीटर, इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब इसके अंदर ये प्रीसेट मैनुअल है, इसके अंदर भी ये D1, D2, D3, D4, D5, D6 वगैरह ये हैं। ये तो हो गया वाइट बैलेंस का। अब ये कलर स्पेस के अंदर ये आप sRGB और एडोब RG में ये ओके कर सकते हो। एक्टिव डी लाइटिंग, लॉन्ग एक्सपोजर, ये दिया हुआ है, फ्लिकर रेडिक्शन है, ये रिमोट कंट्रोल से आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ऑटो ब्रेकिंग सेट, ये मल्टीपल एक्सपोजर, SDR है, हाई डायनामिक रेंज, और इसके अलावा स्टोरेज फोल्डर, ये फाइल नेम, फ्लैश कंट्रोल, अंदर सेटिंग्स दिए हुए हैं। ये फ्लैश कंट्रोल के अंदर भी आप ये TTL वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, बुल्ट इन का मैनुअल वगैरह। और इसके अलावा इमेज क्वालिटी वगैरह मैंने दिखा दिया है, ये सेंसिटिविटी, ये कलर टेम्परेचर हो गया, और ये है आपने मूवी के लिए रिकॉर्डिंग, और ये कस्टम सेटिंग है, ये सेटअप मेन्यू है, ये रिटच मेन्यू है, और ये माय मेन्यू जो अपन सेटिंग करते हैं। तो ये हो गई इसकी सेटिंग के बारे में जानकारी। अब ये जो है इसके अंदर आप इमेज की साइज लार्ज और कम ज़्यादा कर सकते हो, ये देखिए स्मॉल लार्ज, और ये इससे नॉर्मल फाइन, ये यहाँ से ये शॉर्टकट है, और इसको आप प्रेस करोगे तो इमेज की साइज कम ज़्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मीटरिंग है, इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, और ये वाइट बैलेंस के अंदर मैं आपको दिखा दिया है, ये D1, D2 और ये कलर टेम्परेचर वगैरह ये सब इसके अंदर आता है, ये कलर टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ से भी इसको डायरेक्ट बढ़ा सकते हो आप, जैसे ये प्रेस करके इसको करोगे तो ये देखिए ये 5000, 4760, 4550, 4350 ऐसे होता है। बाकी इसके अंदर ये जो दिया हुआ है, ये बटन है, इससे आप आगे पीछे कर सकते हो फोटो वगैरह इसे, ये। और बाकी इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं साइड के अंदर, ये यहाँ पे माइक, ये USB के लिए, और ये HDMI, और ये यहाँ पे दिया हुआ है ईयरफोन और रिमोट के लिए, ब्लूटूथ और वाईफाई इनबिल्ट है इसके अंदर, और ये कार्ड इधर है। इसके अलावा ये जो फ्लैश का है, इसको आप इंटरनल फ्लैश यूज़ करना है तो इस बटन को प्रेस करोगे तो ये निकल जाएगा। इसके साथ 18-140 का जूम है ये लेंस, और ये है फोकस के लिए, ये इसको लेंस को ऑटो में चलाना है तो यहाँ पे ऑटो फोकस, और ये मैनुअल फोकस, ये VR ऑन ऑफ का स्विच है। ये है निकॉन D7500 की फ़ोटो की मैनुअल सेटिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।